Yes, students, hello everyone. Today I am before you starting with the next part of the poverty. In the previous video we had discussed about meaning of the poverty, forms of poverty, and different poverty lines in urban and rural areas, criteria to be followed, pre-independence and post-independence period, etc. So next we are starting here with poverty part 2, causes of poverty and measures to remove poverty will be the today's topic. So students, first of all we are discussing causes of poverty. The first and foremost point is low level of national product. Now what is national product? ये हम national income के chapter में कर चुके हैं. National product क्या होता है? जितनी भी production services during an accounting year within the national boundaries of the country produce होती हैं, that is said to be national product. तो जो national product का level है वो low है, that is decreasing as compared to the size of the population. हमारी country की जो population है वो ज्यादा है, जबकि जो production हो रही है वो comparatively कम है, तो जिसकी वजह से per capita income जो है वो भी low है. तो UNO norms के according वो country poorest country मानी जाती है जिसमें लोगों का पर कैपिटा इनकम लो होता है, तो हमारी कंट्री इस कैटेगरी में आती है. द नेक्स्ट पॉइंट इज लो रेट ऑफ ग्रोथ. यहां ग्रोथ से मतलब है जीडीपी ग्रोथ. सो दिस इज आल्सो डिक्लाइनिंग ओवर द पीरियड. सो ड्यूरिंग द फाइव ईयर प्लान्स का अगर हम डेटा चेक करें तो हमने देखा है कि जो ग्रोथ रेट है जीडीपी का वो डिक्रीज होता जा रहा है एज कंपेयर टू द रेट ऑफ पॉपुलेशन. कहने का मतलब है कि जितना पॉपुलेशन ग्रो करती है उस हिसाब से जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो ग्रो नहीं करता. सो इट्स बेटर टू राइट हियर लो रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ फॉर मोर क्लैरिटी. सो जिस वजह से हमारी कंट्री में जो पावर्टी की समस्या है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि जीडीपी का ग्रोथ रेट एज कंपेयर टू पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो स्लो है, जिसकी वजह से जो हमारी पॉपुलेशन है और जो ग्रोथ रेट है उसमें बैलेंस नहीं बन पा रहा, वो दोनों चीजें आपस में कोप अप नहीं कर पा रही. द नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स. नाउ इन आवर कंट्री लाइक इंडिया, यहां पर कमी है किसकी? एबल एंड एंटरप्रेन्योर स्किल्स की. हमारी कंट्री में ये चीज मिसिंग है, तो जिसकी वजह से हमारी कंट्री में अगर एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स ही नहीं होंगे तो प्रोडक्शन भी है जो है वो उस हिसाब से इंक्रीज नहीं करेगी, क्योंकि प्रोडक्शन तभी इंक्रीज होगी जब हमारी कंट्री में एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स अवेलेबल होंगे. तो जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो क्रिएट नहीं होती है, तो जो पावर्टी है वो ज्यों की त्यों बनी रहती है. द नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं वो भी कंट्री में मिसिंग है. अब किसी भी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो बेस है वो क्या होता है? इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज, हाउसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये सब इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है जो हमारी कंट्री में मिसिंग है.
तो जिसकी वजह से हमारी कंट्री में जो पावर्टी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। द नेक्स्ट पॉइंट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो हमारी कंट्री में जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, डिस्पाइट गवर्नमेंट इस तरह के एफर्ट्स लेती है कि जैसे प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर है हमारी कंट्री में, चार्जिंग हाई टैक्स फ्रॉम रिच पीपल एंड लो फ्रॉम पुअर पीपल डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ इनकम, लेकिन इसके बावजूद भी जो गल्फ है, जो गैप है बिटवीन द रिच एंड द पुअर पीपल, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो रिच पीपल है, क्योंकि जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो कुछ रिच पीपल के हाथ में है, तो जिसकी वजह से वो अपना फॉर्च्यून, अपना लक जो है फेवरेबली बना लेते हैं, और वो पुअर को एक्सप्लॉयट करते हैं, जिसकी वजह से जो पुअर है वो उनके लिए सर्वाइवल करना आज की डेट में मुश्किल हो चुका है ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द रिच क्लास ओनली, जिसकी वजह से पुअर और रिच का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है और जो पॉवर्टी की समस्या है वो एज इट इज स्टे कर रही है। देन लैक ऑफ कैपिटल। अब हमारी कंट्री में जो कैपिटल है उसकी भी डेफिशिएंसी है। जो कैपिटल है, क्योंकि अगर कंट्री में जो कैपिटल की एकोमुलेशन नहीं होगी तो प्रोडक्शन भी कम होगी, तो प्रोडक्शन कम, लैक ऑफ कैपिटल की वजह से प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन कम होने की वजह से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट नहीं होंगी, वो भी कम होंगी। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अगर कम होंगी, जनरेट नहीं होगी, लोगों को काम नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से जो पॉवर्टी है ये हाई लेवल पे इंक्रीज होगी। सो लैक ऑफ कैपिटल अल्टीमेटली लीड्स टू पॉवर्टी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस। नाउ सोशल इंस्टीट्यूशन से हमारा मतलब है कि हमारी कंट्री के लोगों की जो सोच है वो बैकवर्ड है। अभी तक हम लोग कास्ट सिस्टम और ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में फंसे हुए हैं, तो जिसकी वजह से कंट्री का जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज नहीं हो रहा। अब ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में जैसे हिंदू ज्वाइंट फैमिलीज हैं वो अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजते हैं फॉर देयर ग्रोथ, वो अपने बिजनेस में ही उनको एड ऑन करते जाते हैं, जिसकी वजह से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है क्रिएट होती है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स छिपी हुई बेरोजगारी। तो अनएम्प्लॉयमेंट अननेसेसरली क्रिएट होती है कि जो ज्वाइंट फैमिली के जैसे फोर फादर से चला आ रहा बिजनेस, सिर्फ फादर ने हैंडल किया, फिर आगे वो सन्स को ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो बच्चों के लिए नई लाइनें क्रिएट नहीं करते। तो इस तरह के से जो आउटडेटेड सोशल सिस्टम हमारा बना हुआ है, जिसकी वजह से कंट्री का जो ग्रोथ रेट है वो भी रुकता है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी क्रिएट नहीं होती, अल्टीमेटली जो पॉवर्टी है वो इंक्रीज होती है। देन उसके बाद है बेटा हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। अब जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीजिंगली बढ़ती जा रही है, इसके डिफरेंट रीजंस जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं ये सारे ही हैं। पॉपुलेशन के ऊपर एक तो कोई कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई बाउंडेशन नहीं है, तो पॉपुलेशन और जो जीडीपी ग्रोथ रेट दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के। कहने का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन जिस प्रेशर से इंक्रीज हो रही है उस हिसाब से जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं बढ़ रहा। अब जब जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट नहीं होंगी,
तो जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का जो मैक्सिमम हिस्सा है वो क्या रहेगा, वो पुअर ही रहेगा। तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट रहेगी, तो जिससे जो पॉवर्टी है वो ग्रो कर रही है। देन नेक्स्ट इज इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई। अब जीडीपी के ग्रो होने से जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो स्लो है, और पॉपुलेशन का जो रेट है वो हाई है, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज हो रही है। अब पहले जो चीज हम 5 रुपीज में लेते थे, आज के टाइम में वो 15 रुपीज में ले रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं इंक्रीज हो रही है जिस हिसाब से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो भी रही है तो वो किसके हाथों में जा रही है प्रोडक्शन? वो या तो रिच पीपल या अबव मिडिल या मिडिल क्लास, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। जो पुअर पीपल हैं वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो जो इन्फ्लेशन की वजह से जो हमारी जनसंख्या है जो मैक्सिमम वो क्या है, वो पुअर है। और जो बिलो अबव पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं, जो नॉट वेरी पुअर की कैटेगरी में आते हैं, आजकल जिस हिसाब से जो टाइम चल रहा है कोरोना वायरस का, तो जो नॉट वेरी पुअर पीपल हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन आ गए हैं। और जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग थे वो एब्सोल्युटली पुअर की कैटेगरी में आ गए हैं, जो हंगर से या भुखमरी से मर रहे हैं। तो ये हाल है हमारी कंट्री का ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो पावर्टी ड्यू टू लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जो है वो इंक्रीज हो रही है। इस साल तो पावर्टी बिलो पावर्टी लाइन बहुत ज्यादा लोग आ चुके हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमारी कंट्री में जो पावर्टी है वो किस वजह से है, मेन जो उसका रीजन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि लोगों के पास काम ही नहीं है, तो जिसकी वजह से लोग गरीब हैं। क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स जिस समस्या का कोई हमें हल ही नहीं मिल रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट के रीजन की वजह से या अंडर एम्प्लॉयमेंट के रीजन की वजह से जो लोग हैं वो गरीब हैं। जब लोगों के पास काम ही नहीं होगा, उनके पास पैसे ही नहीं होंगे खाना खाने के लिए, तो वो गरीब ही रहेंगे। तो ये है बेटा कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। इट कैन कम इन 4 मार्क्स और इट कैन कम इन 6 मार्क्स। ये पूरा चैप्टर ही वैसे इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है हमारे पास मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी, कि पावर्टी को रिमूव करने के एक तो हमारे पास जनरल मेजर्स हैं, और कुछ गवर्नमेंट ने भी मेजर्स अडॉप्ट की हैं पॉलिसीज बना के डिफरेंट। सो देर आर डिफरेंट मेजर्स टू रिमूव पावर्टी, और वो में से कम्बैटिंग पावर्टी, कम्बैटिंग मीन्स रिमूविंग पावर्टी। तो इसके जो 3 मेजर मेजर्स जो जनरल हैं वो लिए गए हैं, जीडीपी ग्रोथ, इम्प्रूविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। अब जो फर्स्ट मेजर जो लिया गया है इट इज जीडीपी ग्रोथ। जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ये अल्टीमेट सोल्यूशन है पॉवर्टी का, क्योंकि अगर जीडीपी बढ़ेगी, अगर गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री में बढ़ेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नेचुरली है वो जनरेट होंगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिलेगा इन डिफरेंट फार्म्स एंड फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने से पॉवर्टी तो कम होगी ही, लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाई जा सकेंगी। अब नेक्स्ट है अनइक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन था इनकम का, उसको सॉल्व करने के लिए
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को इम्प्रूव किया जाए, जिसके लिए डिफरेंट फिस्कल मेयर्स और लेजिस्लेटिव मेयर्स लिए गए हैं। तो फिस्कल मेयर्स जो हैं, जनरली इसमें टैक्सेशन एंड सब्सिडी पॉलिसी आ जाती है गवर्नमेंट की। अब प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर तो है ही है, जिसमें रिच पीपल को ज्यादा टैक्स चार्ज करना, मिडल को कम चार्ज करना और पुअर को एग्जेम्प्ट करना फ्रॉम द टैक्स कैटेगरी। और जितनी भी गवर्नमेंट को टैक्स से इनकम आती है, उससे क्या किया जाए, उससे जो पुअर सेक्शन के लोग हैं उनको बेसिक अमेनिटीज ऑफ लाइफ, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हाउसिंग फैसिलिटीज, बेसिक एजुकेशन फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज, ये प्रोवाइड करवाई जाएं। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वो भी जनरेट की जाएं पुअर पीपल के लिए, ताकि वो अपने पैरों पे खुद खड़ा हो सके। देन डिफरेंट लेजिस्लेटिव मेयर्स, इसमें आ जाता है मिनिमम वेज एक्ट। अब मिनिमम वेज एक्ट में क्या है, इसमें जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उनके लिए मैंडेटरी होगा कि वो अपने एम्प्लॉयज को एक मिनिमम वेज, कि कम से कम इतना जो वेज है अपने एम्प्लॉयज को उन्होंने देना ही देना है हर हालत में, अंडर मिनिमम वेज एक्ट। इसके अलावा लेजिस्लेटिव मेयर्स में प्राइस फ्लोर, ये हम अर्लियर भी हमने पढ़ा हुआ है, प्राइस फ्लोर की पॉलिसी जो है वो भी लेजिस्लेटिव मेयर्स के अंडर आती है, जिसमें फार्मर्स को उनको सपोर्ट करने के लिए, उनकी परचेजेस को सपोर्ट करने के लिए एक मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर किया जा रहा है, कि फार्मर्स को मिनिमम इतना प्राइस, जिसने भी फार्मर से आउटपुट लेनी है, प्रोड्यूस लेना है, फार्मर को एक मिनिमम फ्लोर प्राइस उनके लिए फिक्स कर दिया गया कि इतना फार्मर्स को देना ही देना है, ताकि फार्मर जो है वो घाटे में ना रहे। इसके अलावा लेजिस्लेटिव मेयर में आ जाता है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन एक अनदर एग्जाम्पल है, जिससे सोसाइटी के जो पुअर पीपल हैं, स्पेशली जो यूथ है, उसको ट्रेंड किया जाए ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। तो ये हैं हमारे लेजिस्लेटिव मेजर्स के अंडर जो पॉलिसीज ली हैं गवर्नमेंट। देन उसके बाद पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल, जो कि पॉपुलेशन एक विस्फोटक बना हुआ है कंट्री के अंदर, उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है पावर्टी को कम्बैट करने के लिए। अब पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण पर कैपिटा इनकम लोगों की लो है, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ रेट उतना नहीं है। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा, लेबर का जो साइज है वो रिड्यूस करना होगा, कि जो लेबर कैटेगरी में लोग आते हैं उनको रिड्यूस करना होगा। जो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है लेबर सप्लाई और कैपिटल स्टॉक के अंदर, दैट मींस कि लेबर की जो सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है ड्यू टू लो कैपिटल, क्योंकि कैपिटल नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं होती, प्रोडक्शन नहीं है तो डिमांड नहीं है लेबर की। तो लेबर को जो है वो एक स्किल उनमें डेवलप की जाए, उनको एजुकेट किया जाए, ताकि वो एक स्किल्ड लेबर की फॉर्म में काम कर सके, जिसकी वजह से क्या होगा, पॉपुलेशन जो है वो भी कंट्रोल होगी, वो अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन में है वो लेबर क्लास ही आती है, और पुअर लेबर क्लास जो अपने टू मील्स भी सेटिस्फाई नहीं कर पाते। तो लेबर को स्किल करना, उसको एजुकेट करना बहुत जरूरी है,
ताकि वो अबव पॉवर्टी लाइन जो है वो आ सके। और पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल तभी होगी जब हमारी लेबर फोर्स जो है, जो पुअर लेबर फोर्स है वो, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो पॉपुलेशन में कम होगी। नेक्स्ट है बेटा अदर मेयर्स, जनरल मेयर्स। इसमें आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत जरूरी है। अब इसके लिए क्या होना चाहिए कि जो एग्रीकल्चर है उसको मॉडर्नाइज किया जाए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज की जाए, नई मशीनरी यूज की जाए, बेटर सीड्स, बेटर फर्टिलाइजर्स, मीन्स ऑफ इरिगेशन जो है वो अच्छे से अच्छे यूज किए जाएं। जो छोटे फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर जो हैं, जिनके पास थोड़ी थोड़ी लैंड है, उनको फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड कराई जाए। और जो लैंडलेस लेबर्स हैं, जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, जिनके पास जमीन नहीं है लेकिन वो खेती करना जानते हैं, उनको लैंड प्रोवाइड करवाई जाए ताकि हर तरह से एग्रीकल्चर का विकास हो सके। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी इन द प्राइस लेवल। जो प्राइस लेवल हमारा लगातार इतने सालों से महंगाई बढ़ती आ रही है, उसमें स्टेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। तो अगर प्राइसेस इसी तरह से बढ़ते रहेंगे तो लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कभी भी इम्प्रूव नहीं होगा। तो जो प्राइसेस का स्टेबलाइज होना, उस स्टेबल होना बहुत जरूरी है। तो वो कैसे होगा, जब फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होगी, एंड इसके अलावा जितनी भी कंज्यूमर गुड्स हैं वो इंक्रीज होंगी और पुअर पीपल जो हैं उनको राशन शॉप्स के थ्रू या फेयर जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स हैं उनके थ्रू उनको गुड्स प्रोवाइड करवाई जाएं एट सब्सिडाइज रेट्स, दैट मीन्स कम रेट्स पे पुअर पीपल को गुड्स प्रोवाइड करवाई जाएं। नेक्स्ट है पावर्टी को रिमूव करने के लिए मेजर रीजन जो हमने पढ़ा था, अनएम्प्लॉयमेंट, उसको रिमूव किया जाए। इरेडिकेट करना मीन्स रिमूव करना। अब उसके लिए क्या होना चाहिए, अब किसी भी तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है, चाहे वो अंडरएम्प्लॉयमेंट है या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके लिए डिफरेंट मेजर्स उठाए जाने चाहिए। जैसे कि रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो जनरेट की जाए, कॉटेज इंडस्ट्रीज को पुश किया जाए ताकि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करें, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो हैं उनको पुश किया जाए, मोर ओवर एजुकेशन को वोकेशनलाइज किया जाए ताकि जो यूथ है वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके, कि वो लेबर की कैटेगरी में काम ना करके सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके। देन उसके बाद है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, क्योंकि हमारी कंट्री में ज्यादातर जो बिलो पावर्टी लाइन वाले लोग हैं वो लेबर क्लास से रिलेटेड हैं। तो इस तरह की टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज की जाए इंडिया में जिसमें लेबर जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व हो, ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है वो भी दूर हो सके और पावर्टी की जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट मिलने से सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर, कि जो पुअर पीपल हैं जिनको बेसिक अमेनिटीज ऑफ लाइफ नहीं मिलती हैं, लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, बेसिक एजुकेशन, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज, वो उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाए, जिस ताकि वो पावर्टी लाइन के नीचे की रेखा पे न रहकर पावर्टी लाइन से ऊपर उठ पाए। देन स्पेशल फोकस किसके ऊपर, बैकवर्ड रीजन्स के ऊपर। अब बैकवर्ड रीजन्स कौन से हैं, जैसे नागालैंड है, यूपी है, बिहार है, तो इस तरह की जो स्टेट्स हैं जो बैकवर्ड हैं, जहां पर
कोई फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा खास नहीं है, इंडस्ट्री खास नहीं है वहां पर, इन स्टेट्स को डेवलप किया जाए ताकि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सके। इसके लिए गवर्नमेंट प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बूस्ट करे, उनको एनकरेज करे ताकि वो इन बैकवर्ड रीजन्स में आके अपना सेटअप क्रिएट करें और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करें और लोगों को, जिससे एम्प्लॉयमेंट मिले और वो पॉवर्टी रेखा से बाहर निकल पाए। देन नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने के लिए डिफरेंट जो ITIs हैं, दैट इज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खोले जाएं, जिससे जो लोग हैं, पुअर पीपल हैं, उनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल एजुकेशन दी जा सके। और इंडस्ट्रियल एजुकेशन लेने के बाद, क्योंकि जो पुअर पीपल हैं उनके पास इतना फंड नहीं होता कि वो खुद से कुछ कर सकें, तो उनके लिए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स प्रोवाइड करवाए जाएं ताकि जो स्मॉल एंटरप्राइज हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। तो इस तरह की जो स्टार्टअप्स हैं वो लिए जा सके। देन इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दैट इज राशन शॉप्स एक्सेट्रा। तो इस तरह की पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स जो हैं वो डेवलप किए जाएं, जो लोगों को, पुअर पीपल को स्पेशली फूड ग्रेन्स और इसेंशियल्स ऑफ लाइफ लाइक कोर्स क्लोथ्स, इस तरह की जो फैसिलिटीज हैं वो, या बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज हैं जो प्रोवाइड करवाएं टू पुअर पीपल। और ये सारा काम जो है गवर्नमेंट की देखरेख के अंदर होना चाहिए ताकि जो पावर्टी है इसकी समस्या से हम बाहर निकल पाएं। तो कॉजेज एंड मेजर्स टू रिमूव पावर्टी दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 4 मार्क्स के लिए और 6 मार्क्स के लिए, बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमने आज कवरअप किए हैं इस वीडियो में, कॉजेज एंड मेजर्स टू रिमूव पावर्टी। थैंक्स फॉर पेशेंट लिसनिंग।